गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, यहाँ पे सुबह हो गई है और 6:30 हो रहा है। मेरे चिलीज देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों, और दो चिलीज ही यहाँ पे हैं तो लड़ाई कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे से गुस्से हैं बहुत। तो ये छोटी वाली, उसे देखो उकसा रही है लड़ने, बहुत बदमाश हो गए हैं आजकल दोनों के दोनों। 3 डेज से ये दोनों एक साथ नहीं खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी वाली चिली अपने में ही मशगूल है, ये छोटी चिली ना बहुत बदमाश है। तो देखिए, मुझे बोलती है कि इसने मुझे मारा है, तो अभी देखिए क्या एक्टिंग करती है ये। तो हमेशा बिना मारे ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है बड़ी वाली चिली पे। बहुत नॉटी है छोटी वाली। देखिए अभी इसके नखरे, क्या क्या नखरे करती है, आप देखते रहिए। और मुझे चुगलियाँ भी करती है बड़ी वाली की कि उसने मुझे मारा। तो अभी देखिए 3 दिन से वो इसलिए उस नाराज़ है क्योंकि उसने इसे ऐसे मारा था, तो ऐसे वो बेहोश हो गई थी, वैसे किया था उसको। तो वो एक्टिंग करती है, बहुत होशियार है छोटी वाली। बड़ी वाली ना आजकल ही थोड़ी होशियार हुई है, छोटी वाली देखो चिली गेट अप बोल रही हूँ तब उठी है वो। बहुत नॉटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा रोज़ सुबह उठ के इन दोनों से खेलती हूँ यहाँ पे वरांडे में, और फिर थोड़े प्लांट्स की देखभाल कर लेती हूँ। तो ये बहुत खेलते हैं सुबह सुबह। देखिए मुझे ऐसे नाटक भी करके दिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है। मतलब कि स्ट्रेस बस्टर होता है पेट्स के साथ खेलना और इनके साथ टाइम बिताना, तो बहुत मज़ा आता है। थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, लेकिन बादल तो काले बादल छाए हैं बहुत। एक साइड और एक साइड थोड़ी धूप आ गई, आप देख सकते हो वरांडे पे धूप पड़ी है। तो अभी मैंने, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, अभी काम शुरू कर देती हूँ। देखिए मेरे पाम ट्री में बीच में जो दो जो लीव्स हैं वो नए वाले हैं, बहुत प्यारे लग रहे, लाइट ग्रीन कलर के, मेरा फेवरेट प्लांट है ये। कैसे हैं, गुड आफ्टरनून। बजे हैं 2:30 और आज ये भी हाफ डे ही आ गए, इनका हाफ डे है आज से। हमारे यहाँ पे ना फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो कोरोना के, तो बहुत बहुत डर लग रहा है। तो हर एक ऑफ एक रूल है कि सब 12 या 1 बजे तक, कुछ ऐसे ही हाफ डे तक ही होगा सब कुछ, और फिर उसके बाद सब क्लोज हो जाएगा। तो अभी अगर आपको मैं बाहर दिखाऊंगी तो कुछ भी नहीं ना, एक शॉप है, परसों तक तो था लास्ट वीक तक, लेकिन अब सब कुछ बंद है यहाँ पे। और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन यहाँ पे भी, बहुत मतलब कोई भी बाहर नहीं आ जा सकता, तो इस टाइप का हो रहा है। तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब। मुझे तो सही में, मैं बहुत फेड अप हो चुकी हूँ, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा ये सब और कब हम राहत की सांस लेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो मन भी नहीं करता कुछ काम करने का या कुछ ऐसे ही, मतलब कितने दिनों से किसी से नहीं मिले, अपने पूरे रिश्तेदारों से, या कहीं आ जा नहीं पा रहे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल, बस खाओ पकाओ खाओ, और बस पहले के जो प्यारे प्यारे दिन है ना वही याद आ रहे थे मेरे को तो, और अब भी याद आते हैं रोज़ जब मैं एल्बम्स या मोबाइल में फ़ोटोज़ देखती हूँ, तो मुझे लगता है हम लोग यहाँ घूमने गए थे, वहाँ घूमने गए थे। तो सच में बहुत बोर हो रहे हैं। तो इस बोरियत को मिटाने में हमेशा किचन में कुछ ना कुछ खाना बनाने आ ही जाती हूँ। किसी भी सिचुएशन में हमको ढलना सीखना पड़ता है, क्या करें। देखो
जब सिचुएशन ऐसे है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोई हमने या किसी ने क्रिएट की नहीं है, तो क्या करें? ऐसे ही है, क्या समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें? कहीं भी जाओ, घर के बरांडे में जाओ तो थोड़ा नीचे देखते हैं, फिर अंदर आ जाओ, फिर घर में बोर होते हैं, फिर बरामदे में जाओ, फिर अंदर बाहर अंदर, यही हो रहा है। और बचा है तो यही हमारा मतलब पैलेस हो गया, ये वाला किचन। चलो कोई नहीं, तो आज मैं आपसे ना एक अच्छी स्वीटी कर लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा कुछ भी करने का, मेरे को तो कुछ नहीं मन कर रहा। मेरे को लगा कि मैं आपको हमारा जहाँ हम शहर में रहते हैं वहाँ दिखाऊँ। देखिए मैंने बाल भी नहीं बनाए, बस ऐसे ही जूड़ा बना लिया। मेरे को कुछ नहीं मन कर रहा आज, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना आपको एक स्पेशल सी रेसिपी दिखा दूँ। मतलब वो सबको आती है तो मुझे भी आती है, मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखा दे रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले बीटरूट। तो बीटरूट को मैंने धो के कट करके इस तरह से मिक्सर में लिया है, तो आप उसको श्रेड भी कर सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, बहुत बोर हो चुकी हूँ। मैं मिक्सर में घुमा दूँगी उसका, मतलब उसको बहुत सॉफ्ट कर दूँगी ताकि वो जल्दी बन जाए। चलिए बना लेते हैं, और शायद से ये वाला जो रेसिपी है खा के मन अच्छा हो जाए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अभी ये कौवे बिल्लियाँ, मैं इन्हीं को देखती रहती हूँ बैठ के, कभी बिल्लियों से खेल लेती हूँ, कभी दो तीन कौवे आ जाते हैं वहाँ पे, तो उनको देखती रहती हूँ कैसे काव काव कर रहे हैं। ये ही रह गया था मेरी ज़िंदगी में, और क्या था। चलो बना लेते हैं, बहुत बोर हो रही हूँ सच। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिक्सी में पीस लिया है बीटरूट, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, मतलब कद्दूकस थोड़ा कुक होने में टाइम लगेगा मुझे लगता है, तो एक्चुअली सब कद्दूकस ही करते हैं। तो मैंने ना आज सिर्फ इसको मिक्सी में डाल दिया, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं कद्दूकस करती बैठूँ, तो बिल्कुल भी कुछ मन नहीं हो रहा, तो इतना सॉफ्ट हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना सॉफ्ट हो गया है बीटरूट। तो मेरे को लगता है ना इसकी स्वीट थोड़ा अच्छी बनेगी, तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चढ़ा लिया है एक पैन, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और उसमें जो मैंने जो ये पीसा था ना बीटरूट का जो पल्प है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो हमको इस बीटरूट को जब तक इसका कच्चा स्मेल नहीं चला जाता, तो इसको घी में फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीटरूट फ्राई हो गया? तो ऑयल जो हमने इसमें घी डाला है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो इसको 5-10 मिनट तक आप चलाते रहें। और लॉकडाउन में सबसे अच्छी बात यही हो गई मेरे साथ कि ना मुझे अच्छी तरह से खाना बनाना आ गया, मतलब दाल सब्जी रोटी। इससे पहले मैं दाल सब्जी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती थी, तो मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। और जब दाल सब्जी रोटी कुछ भी जैसे कि ये ऑफिस से आ जाते थे और मैं इनको देती थी खाना रोटी या सब्जी बनाकर, तो पहले मैं उनकी शक्ल देखती थी कि भगवान ये अल्लाह अच्छा है, अच्छा 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 बोले, अच्छा 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 बोले, तो वो चुपचाप बेचारे खा ही लेते थे। लेकिन लॉकडाउन में ना उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि तुम अच्छा खाना बना रहे हो, तो अच्छा लगता है ना कोई तारीफ करे आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीटरूट है उसका वाटर पूरा सूख चुका है, और मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो आप अगर बहुत मीठा खाते हैं तो डाल सकते हो, और अगर कम खाते हो तो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के आप ऐड कर लीजिए। और इसको अच्छी तरह से और थोड़ा कुक करना है, तो इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखिए कैसा डार्क कलर हो गया और कितना शाइनी लग रहा है। तो इसको अच्छी तरह चलाना है और थोड़ी देर,
फिर उसके बाद इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी बादाम कट करके, और कोई दूसरी ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी मैं। तो बादाम हेल्दी होते हैं, और अभी बाहर बारिश भी हो रही है, थोड़ी सर्दी है, तो ये हेल्दी होगी आपकी बॉडी के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बादाम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना शाइनी लग रहा है। तो शुगर में ये अच्छे से मतलब कैरमलाइज्ड हो चुका है, और बहुत टेस्टी लगेगा। और ये सिर्फ 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स में बन जाता है, और इसमें मैं डालूँगी मिल्कमेड, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और भी मिल्कमेड डालने के बाद इसको और मैं थोड़ा सा एक 3-4 मिनट चला लूँगी, और जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी, और यमी यमी बीटरूट बादाम हलवा रेडी हो जाएगा। कैसा लगा? और इतना इजी है ना, 5 मिनट्स में बन जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर डिब्बा नहीं रखा है, यहाँ पे तो जहाँ का चीज़ वहाँ रख देना चाहिए किचन में, वरना ऑर्गेनाइजेशन जो हम करते हैं वो पूरा ख़राब हो जाता है। और मैं भी कभी कभी ना भूल जाती हूँ, ऐसे ही थक जाती हूँ और छोड़ देती हूँ, लेकिन करना चाहिए वरना ना फिर से बहुत काम बढ़ जाता है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि कल और एक अच्छा वीडियो बनाना है। तो कल मैं आऊँगी एक परफेक्ट व्लॉगिंग के साथ, अपने मतलब हो सके तो फुल डे का, या आपसे कुछ अपना रूटीन शेयर करूँगी कल। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।